ये राइट साइड में काफी बड़ी हुई है। अब इसके आर्चेस देखते हैं, पूरा बैक टिल्ट हुई होती हुई नजर आ रही है, चेंजेस दिख रहे हैं पॉस्चर टू। अब ये चेस्ट के इंटरकॉस्टल लेवल, फॉरवर्ड नेक पॉस्चर है, नेक काफी बेंड और फॉरवर्ड जा चुकी है, जो स्पाइन होती है वो शॉर्टन पोजीशन में आ जाती है। ऐसे ही जाते हैं बैक में तो कुछ भी नजर नहीं आता। इनके केस में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वो है स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। देख सकते हैं इस वीडियो में इनका बैक का जो पॉस्चर है वो कितना ज्यादा बेंट है। पॉस्चर के साथ साथ यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, प्रोट्रूजन ये कम है, तो ये शोल्डर ज्यादा वीक है। अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शोल्डर्स जो है स्पेशली ये लेफ्ट शोल्डर ये वीक हो गया है। ये कितना बाहर है, ये मैं ले रहा हूँ इसके लेफ्ट साइड से, ये एंगल नेक दिखेंगे, फॉरवर्ड नेक पॉस्चर है, नेक काफी बेंड और फॉरवर्ड जा चुकी है। लेटने पे बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बिल्कुल अलाइन नजर आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि जैसे जो स्पाइन होती है वो शॉर्टन पोजीशन में आ जाती है। ये है प्रॉब्लम, ये चीज साइड में काफी बड़ी हुई है। अब इसके आर्चेस देखते हैं, देखें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये इंफॉर्मेशन, ये कंटेंट देखिए आप सबके लिए है। आप देख सकते हैं साइज में भी फर्क है, दोनों नीब टच करेंगे, पहले बैक में भी थोड़ा चेंजेस नजर आ रहे हैं। ब्रेथ आउट करेंगे, लग रही है तुम्हें? चलो नी बेंड करेंगे सीधा स्ट्रेट अप, ना ना फीट नहीं मूव करना, फीट वहीं रखना, उंगलियां ऊपर नहीं, उंगलियां ऊपर करेंगे, टोज अप, टोज अप, टोज अप, टर्न कर लेंगे। बट क्यों है? फीट की वजह से है दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, आप में से भी किसी को कोई दिक्कत है, ये एक यंग लड़का है, अभी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अब इसको समझने की जरूरत है कि आर्चेस इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसका ओवर प्रोनेशन है, दोनों पाँव में चेंजेस आ चुके हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसके आर्चेस भी वापस आ जाएंगे और इसके पाँव भी सीधे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। नो नॉनसेंस चैनल, ओनली कंटेंट। पाँव ऐसा नहीं रखना, क्वेश्चन करने या नहीं बनना, हमें फेस नहीं दिखाना है।